जो कुछ हुआ उसके बावजूद तहरीक इंसाफ इस एतमाद का इजहार कर रही है कि हमारे आजाद उम्मीदवार भी जीतेंगे, हमारी सोशल मीडिया कैंपेन बड़ी तेज है, मैसेज कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी है और हम आजाद उम्मीदवारों के जरिए भी जीतेंगे, फिर पार्लियामेंट में आएंगे और मखसूस नशस्तों के लिए किसी एक जमात से अलायंस करेंगे कि हमारे आजाद उम्मीदवार उन्हें ज्वाइन कर लें और हमें मखसूस नशस्तें भी मिल जाएं और इतनी आसानी से किसी और को हुकूमत नहीं बनाने देंगे। आपको लगता है कि अब काफी डैमेज हो चुका है या बाकी यहां से भी तहरीक इंसाफ कुछ कर सकती है? देखिए, डैमेज तो बहुत हो चुका है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में बददिली भी बहुत है और जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे से जो एक यानी पजमुर्दगी तारी हुई थी, अब बल्ला छिन जाने से वो नुक्ता अरूज पे पहुंच गई है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवा, और अब पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त है उसका इम्तिहान है। अदालत में तो वो अपना मुकदमा ठीक तरीके से नहीं लड़ सकी, लेकिन अगर अवाम की अदालत में वो अपने आप को दुरुस्त तरीके से पेश कर सकती है और अपना हौसला जो है वो उसको बढ़ा सकती है, उसको बुलंद रख सकती है, तो एक अच्छी बात है। इसका खैर मकदम होना चाहिए और उनको चाहिए कि पूरे जोश व खरोश के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएं और जो भी मुश्किलात हैं उनको अबूर करें। तो ये तो मेरा ख्याल है एक अच्छी रवायत होगी और हमारा जमहूरी अमल जो है इससे मुस्तहकम होगा। मगर शायद अमली तौर पर मुमकिन कितना है? अब जाहिर आज़ाद लड़ रहे होंगे उम्मीदवार, अब वो आज़ाद लड़ें, आज़ाद लड़ने के बाद एक कैंपेन भी उसी तरीके से चला सकें, चला ली, जीत गए, पार्लियामेंट में आए तो किसी और पार्टी को ज्वाइन ना करें, पार्टी की बात भी माने, ये सब आपके ख्याल में मुमकिन हो पाएगा या 2024 में अब जो अगले महीने इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बहुत मुश्किल है तहरीक इंसाफ के लिए सारी मामले को मैनेज करना? पाकिस्तान की तारीख में 12 ऐसा हुआ है, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने रास्ते की रुकावटें दूर की हैं, सब्र से, तहम्मुल से, हिकमत से, दानाई से उन रुकावटों को अबूर किया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जो हैं वो हमारे सामने हैं, उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो भी हम जानते हैं, लेकिन बहरहाल वो सिस्टम के अंदर रहते हुए अपना रास्ता बनाने में कामयाब हुई। नुकसान तो उनका भी हुआ लेकिन बिलाखिर आगे बढ़ गई। इसी तरह पीटीआई जो है अगर अपनी गलतियों का इदराक करती है और अपनी हिकमत अमली को दुरुस्त करती है और अपनी ताकत सही जगह इस्तेमाल करती है तो एक अपना रास्ता बना सकती है। जैसे मगर इसमें ये बड़ी अहम बात है। अब मगर इमरान खान साहब ने आज भी जब साफियों से बात की है तो लंडन प्लान का जिक्र किया, ज़ाहिर है उनका अभी भी एक जो वो तनकीद कर रहा है, तो आप समझते हैं कि एक रास्ता वो निकाल सकते हैं? ये इमरान खान साहब को अगर ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त उस रास्ते की गुंजाइश है नहीं जिस किस्म की फील्ड मेरे खिलाफ सेट की गई है, तो वो सही नज़र आ रहा है कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है ना ही रास्ता निकलेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं अपना अटैकिंग मोड ही जारी रखूँ? देखिए, ये रास्ता फौरी तौर पर तो शायद कुशादा ना हो सके, लेकिन अगर वो अपनी ताकत जो है उसको बरकरार रखने में कामयाब होते हैं तो खा वो जेल के अंदर हों खा जेल से बाहर हों तो रास्ता तो बहरहाल फिर निकल ही आएगा ना। आप देखें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहली भी हुई, जेल में भी गए और फिर उन्होंने टक्कर भी ली और बाजवा साहब पर तनकीद भी की, उनको निशाना भी बनाया, लेकिन बिलाकर फिर रास्ता निकल आया और आज वो उस मुकाम पर है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले। तो इमरान खान जो हैं अगर अपनी एनर्जी जाया करेंगे और वो एक बेकार की मशकों में तो फिर तो बात मुख्तलिफ होगी, लेकिन अगर वो उसको संभालेंगे और आगे सब्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो यानी 1 साल 2 साल 3 साल ये कोई मुद्दत कोई ज्यादा नहीं होती, मगर हथेली पे सरसों नहीं जमाई जा सकेगी, ये बात समझ लेनी चाहिए। और इस सिनेरियो में नून लीग का जो कॉन्फिडेंस है, अब तो पहले तो कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड नून लीग ये कहती नजर आती थी कि जो हालात जा रहे हैं बल्ला भी फील्ड में होगा, हुकूमत हम बना लेंगे मगर एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे, शायद पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ होगी, मगर अचानक ही कॉन्फिडेंस इस बात का आ गया है कि जी अब हमारे जलसे भी बड़े जो मरियम नवाज ने किया वो अच्छा था और हम सिंपल मेजोरिटी से हुकूमत बना लेंगे, पंजाब में 110 सीटों की बातें नून लीग करने लगी है, आपके ख्याल में खाम ख्याली है या आपको वजन नजर आता है इस सिनेरियो में? देखिए, हुकूमत बनानी भी है और उसे चलाना भी है, सिर्फ बनाना काफी नहीं है,
तो हुकूमत बनाने में अगर वो अकेले भी कामयाब हो जाते हैं तो हुकूमत चलाने में उनको दूसरों का तआवुन मतलूब होगा। तो मेरा ख्याल ये बेहतर होगा कि वो मुफाहमत का रास्ता ही इख्तियार करें और लोगों से, दूसरी सियासी जमातों से खामखा ना उलझे। तो लेकिन उनको नफसियाती फायदा तो हुआ है, उनकी ताकत में इजाफा भी हुआ है। एक आप देखिए, गैलप का सर्वे भी ये बता रहा है कि उनकी मकबूलियत बढ़ी है और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे जा रहे हैं। और एक 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 मैसेज जो है वो मनफी मैसेज तो गया है पीटीआई के वोटर्स के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी, मगर मुस्लिम लीग नून को कोई सहज पके सो मीठा हो, अगर जल्दी से को हड़प करने की कोशिश होगी तो उसमें गरम गरम खाना जो है बाज़ औक़ात मुंह को जला भी देता है। अच्छा, मगर नून लीग ने देर तो की है, अब तो असल में वो फील्ड में रिंग में उस वक्त आए हैं जब दूसरे बॉक्सर को निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। उस वक्त बॉक्सिंग करने के लिए आए, वरना तो कैंपेन ही करने को नहीं तैयार हो रहे थे। ना मरियम नवाज साहिबा बाहर निकल रही थी, ना नवाज शरीफ साहब बाहर निकल रहे थे। आप ख्याल में उसके बावजूद भी एक मौका है उनके लिए कि एक सिंपल मेजोरिटी वाली हुकूमत बना सकें? देखिए, वो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसकी उसकी वजह भी थी क्योंकि वो पार्टी के टिकटों की तकसीम में मसरूफ थे, दूसरी जमातों से मामलात कर रहे थे। अब वो मैदान में आए हैं और अभी तो उनका इंतखाबी मंशूर भी नहीं आया, लेकिन बहरहाल मुहिम शुरू हो चुकी है। तो मेरा ख्याल उनके लिए आसानियां तो पैदा हुई हैं, लेकिन आसानियां जो है उनको ये समझना चाहिए कि एक वसी तर मुफाहमत की ज़रूरत है। और अब हरीफ जो हैं वो उनके साथ मत्था लगाने से बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान की जो मुश्किलात है वो कोई कम नहीं हुई। पाकिस्तानी मईशत जो है, जो उसकी हालत है वो आपके सामने है। पाकिस्तानी समाज जो है उसको आप देख लीजिए, मसाइल देख लीजिए, आबादी जो बढ़ती हुई देख लीजिए, और जो सारे अदारे हमारे हैं उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। और यानी बहुत कुछ करना है और आगे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जान लड़ानी पड़ेगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो आए, उसने देखा और फतह कर लिया। हर चीज उनके कदमों में नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है एक खुशसलूबी के साथ मामलात करने के लिए खुश इकदामी की जरूरत होगी, खुश कलामी की जरूरत होगी और खुश गुफ्तारी की जरूरत होगी। तो मेरा ख्याल है उसके नतीजे में ही हम अपनी ताकत मुश्तमे कर सकेंगे और उसको आगे बढ़ा सकेंगे।